सबसे पहले पहुंचकर हम ओवैसी जी की जो सभा होने जा रही है उसकी तैयारी यहां दिखा रहे हैं और यहां तक जिसमें इंशाल्लाह कम से कम भी 2-2.5 लाख आदमी आने की पूरी संभावना है। आपकी पहले सभा में 2.5 लाख इंशाल्लाह, ये देख रहे हो ना आप, देख लो इसमें कम से कम भी जगह आदमी को पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, पूरे बड़े ग्राउंड। जिस कौम का झंडा, जिस कौम का डंडा नहीं होता वो कौम पीछे हो जाती है। अब इंशाल्लाह हमने अपना रहबर भी चुन लिया है, हमने अपना झंडा भी बना लिया है और हमने अपना डंडा भी बना लिया है। पतंग का निशान है हमारा निशान, पतंग का निशान। अब के इंशाल्लाह वोट लगेगी पतंग पर, मोल लगेगी पतंग पर। अच्छा, क्या योगी जी को दिखा रहे हैं मतलब? और आने वाला वक्त इंशाल्लाह ये होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना परचम लहराएगी और इंशाल्लाह काफ़ी तादाद में हमारे विधायक, हमारे MPs पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर हमारे पहुँचेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम मौजूद हैं डासना से जुड़े इलाके मसूरी में, जहां पर 17 तारीख को ओवैसी जी यहां पर आने वाले हैं और इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहां पर टेंट लगाए गए हैं और तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। इसे लेकर हम यहां पर लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी हो रही है। सबसे पहले पहुंचकर हम ओवैसी जी की जो सभा होने जा रही है उसकी तैयारी यहां दिखा रहे हैं और यहां तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह की तैयारी है, क्या होने जा रहा है, इस पर हम राय लेंगे। यहां पर किस तरह से तैयारी ओवैसी जी के आने पर हो रही है? असल तैयारी काफ़ी अच्छी हो रही है और उम्मीद है लोगों से कि लोग यहाँ काफ़ी आएंगे और मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मैदान के अंदर आए, अपने साथ लोगों को लेकर आए। जी, किस तरह की तैयारी यहाँ आप देख रहे हैं? इंशाल्लाह धोलाना विधानसभा है, एक मुस्लिम गढ़ कहते हैं इसको जी, जो यहाँ लगभग 55 बीघे में इसका टेंट है, यहाँ लगभग कम से कम 2 लाख से भी ज़्यादा आदमी आने की तादाद है। ये ग्राउंड दिखाओ, इसमें कम से कम ये बिल्कुल कम पड़ जाएगा, छतों पर भी लोग देखेंगे। वैसे साहब के लिए जैसे आपने कहा तो यहाँ पर जो है नेता तो आपके अखिलेश भी कहलाते हैं, अखिलेश यादव को कैसे देखते हैं? अब कोई अखिलेश वखिलेश नहीं है, ना पिछली बार था अखिलेश, ना अब क्या है, ना इंशाल्लाह आने वाले समय में कभी आएगा वो। अच्छा। बिल्कुल ख़त्म है, अब तो तेल लेन जाओ मुलाम भी है अखिलेश भी, अब अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, अब उससे कोई नहीं है, खाली हुए साहब। क्या कहें उनके बारे में भाई? आपके नेता हैं वो, हमारे क्यों हमारे नेता किस लिए हैं, हमारे लिए क्या क्या उन्होंने? मुल्ला मुलायम उनका एक ढोंग था। अच्छा। वो कुछ नहीं है, पर टोपी पहन ली, इफ्तार पार्टी दे दी मुसलमानों के, उसमें गम चले गए, कुछ नहीं होने वाला। तो मुसलमान जब से भावनाओं में बह रहा था? बिल्कुल बह रहा मुसलमान, तो जब से ये था कि जिसकी तरफ किसी ने मुसलमान की तरफ एक हमदर्दी का लफ्ज बोल दिया, मुसलमान उसकी तरफ चला गया। अब से पहले हम, लेकिन अब नहीं है, अब वैसी एक ब्रांड है वो आ चुका है और ये ब्रांड अब कहीं जाने वाला नहीं है। मतलब इससे उम्मीद है कि धोखा नहीं देंगे? इंशाल्लाह धोखा नहीं देंगे बिल्कुल भी। अच्छा, ये बिल्कुल पूरा भरोसा है, पूर्ण भरोसा है कि धोखा नहीं देंगे बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ जी, तो आज तक गुमराह किया जा रहा था ओवैसी? आज तक गुमराह किया जा रहा था मुसलमानों को, आज तक गुमराह किया गया और आज ओवैसी को बीजेपी का बी टीम कहकर भी गुमराह किया जा रहा मुसलमानों को। क्यों? कि अगर मुसलमान इनकी तरफ आ गए, ओवैसी साहब की तरफ आ गए, तो जो हमारा मुसलमान वोट है खिसक जाएगा। ये तो मुसलमान वोट तो वैसे भी बटेगा, कुछ ओवैसी साहब के पास चला जाएगा, कुछ मायावती के पास चला जाएगा, कुछ समाजवादी को बीजेपी आ जाएगी। एक फारसी का एक मकूल है, कतरा फारसी बताइए, आप बताइए फारसी, कतरा कतरा दरिया में शवद जी, यानी कि कतरा कतरा जब टपकता है तो वो दरिया बन जाता है, वो नहर बन जाता है। तो इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, अब से पहले भी आए थे और हम आहिस्ता आहिस्ता जो मेहनत चल रही है इंशाल्लाह लोगों के दिलों में मेहनत चल रही है और लोग काफ़ी तादाद में उसी ओवैसी साहब से जुड़ रहे हैं और आने वाला वक्त इंशाल्लाह ये होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना परचम लहराएगी और इंशाल्लाह काफ़ी तादाद में हमारे विधायक, हमारे MPs पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर हमारे पहुँचेंगे और मुसलमानों की आवाज़ को, दलित और पिछड़े लोगों की आवाज़ को उठाएंगे।
ये बताया जा रहा है कि मुस्लिमों की पार्टी है बस ओवैसी की पार्टी जो है नहीं देखो टोपी पहन के मुस्लिमों को गुमराह करने चले हैं। ये सब गलत बात है कि मुस्लिमों की पार्टी है, ये मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, ये दलित भी सबको पिछड़े को भी जो कुचले दुबले कुचले लोग हैं जो बीजेपी कुचल लिया जिन लोगों को उन सबकी पार्टी है। इस पार्टी के अंदर 23 पार्षद हैं जिनमें 7 हमारे हिंदू भाई हैं। अच्छा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पार्टी है, ये सबको एक साथ लेने की लेकर चलने वाली पार्टी है। समाजवादी बार बार दावा कर रही है कि इस बार हम 300 पार लेकर आएंगे। देखो समाजवादी की राजनीति एक मुस्लिम और सिर्फ यादव की वोट बैंक है उसके पास। अब तुम 2017 का चुनाव देख लो, 2017 में यहाँ क्या आज वो ओवैसी साहब आए थे जब ये हारी थी। अब इसका जो यादव वोट बैंक था वो तो खिसक गया सब बीजेपी पर, बचा मुस्लिम। अब मुस्लिम इसको कूदो जब इसके परिवार वाले इसके साथ नहीं है, तो अब देखो जिसका आज के टाइम में जिस कौम का रहबर, जिस कौम का झंडा, जिस कौम का डंडा नहीं होता वो कौम पीछे हो जाती है। अब इंशाल्लाह हमने अपना रहबर भी चुन लिया है, हमने अपना झंडा भी बना लिया है और हमने अपना डंडा भी बना लिया है। अब इंशाल्लाह ये सारे जितने भी हमारे नौजवान हैं, दलित हैं, पिछड़ा वर्ग है, जिन्हों को बीजेपी मार रही है, कूट रही है, जिस मंत्री के बेटे ने उन लोगों पर गाड़ी चढ़ाई थी, वो सब अब ओवैसी साहब का साथ दे रहे हैं। ओवैसी साहब इंशाल्लाह अच्छे मतलब अच्छी बातें करते हैं, संविधान के दायरे में लोग रहकर बातें करते हैं। जिस ग्राउंड में खड़े हैं इस ग्राउंड में ओवैसी साहब के आने की तैयारी चल रही है, क्या उम्मीद है कितने लोग पहुंच पाएंगे ओवैसी साहब के सभा में? इस ग्राउंड में 15 दिन से ये खेत वगैरह जुत रहे हैं और ये काम चल रहा है, ये टेंट का काम चल रहा है। ये हमारे यहाँ 50 बीघे करीब जमीन है जिसमें इंशाल्लाह कम से कम भी 2-2.5 लाख आदमी आने की पूरी संभावना है। वैसे आपकी पहली सभा में 2.5 लाख लोग इंशाल्लाह, ये देख रहे हो ना, आप देख लो इसमें कम से कम भी जगह आदमी को और पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी पूरे बड़े ग्राउंड में। जैसे योगी जी पहुंचे थे बंगाल में खाली, वो हाल नहीं होने का, ओवैसी योगी की कुर्सी तो पिलखवियों में सारा स्टेज योगी जी का खाली था, कोई उनके साथ नहीं है। अब सब हमारे सही ओवैसी साहब के साथ हैं। एक बात बताइए, पिछले 4.5 साल से योगी सरकार हुकूमत कर रही है, इतनी क्या नाराजगी है पूरा ओवैसी की तरफ चले, काम नहीं कर रहा है योगी? देखो योगी जी ने और मोदी जी ने, मुस्लिम की बात नहीं कर रहा मैं, सभी जाट उन्हों की बात कर रहा हूँ, सभी बिरादर की, उन्होंने सबको लाइन में लगाया है। अच्छा। भाई उन्होंने नोटबंदी करी, उसमें हमारी माँ बहनें बुजुर्ग देखो कि सुबह ही चले जाते थे बैंकों के अंदर और लाइन लगाते थे, बहुत लंबी लंबी लाइनें सुबह से शाम हो जाती थी। मैंने सुना कि कई लोगों की तो खड़े खड़े मौत भी हो चुकी है। और ऐसी अब आधार कार्ड बनवाया, आधार कार्ड के लिए लंबी लाइन लगवा दी। अभी आपके सामने की बातें हैं, गंगा में देखो जाके हमारे भाइयों की, जिन्हों का नू भी पता नहीं था इन्हों का कौन है कोई नहीं, जिन्होंने कौवे चील नोच नोच के खा रहे थे। तो योगी जी भी फेल है और सपा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, इंशाल्लाह आपकी बार पतंग ही पतंग चलेगी सब। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो है जोश काफी ज्यादा देखा जा रहा है। पतंग उड़ा रहे हैं, हमारा निशान है पतंग का निशान है, हमारा निशान पतंग का निशान। अब कहीं इंशाल्लाह वोट लगेगी पतंग पर, मोल लगेगी पतंग पर। अच्छा, क्या योगी जी को दिखा रहे हैं, मतलब वो दे रहे हैं नोट? हाँ, योगी जी को भी और अखिलेश जी को भी और कांग्रेस के जो हमारे लीडर हैं, वो कांग्रेस के जो लीडर हैं, एक सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है और बहुत सारे लोग, उन सबको दिखा रहा हूँ कि ये पतंग का निशान है। हवा है, उड़गी, बहुत ऊंचाई पे पतंग है, पूरी ऊंचाई पे पतंग है इंशाल्लाह आपकी बार। ये हमारी पार्टी का निशान है, ये हमारा पार्टी का निशान है। हाँ, जबरदस्त तैयारी है बिल्कुल। यहाँ पर आपने देखा कि जबरदस्त तैयारी है, यहाँ पूरा समर्थन मिल रहा है ओवैसी जी को और करारा जवाब दे दिया है सभी पार्टियों को कि यही अब की बार ओवैसी जी यहां आने जा रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए।